हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ, देखिए ये 3 नंबर के गोपाल जी का पोंचो। ये स्पेशली मेरी सब्सक्राइबर है परवीन राणा, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप 3 नंबर के गोपाल जी का पोंचो बताएं। तो ये देखिए, ये मैं आज 3 नंबर के गोपाल जी का पोंचो आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर आपके गोपाल जी छोटे हैं तो आप उसे छोटे साइज में भी बना सकते हैं, अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं तो आप इसे बड़े साइज में भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये कॉटन का थ्रेड है और ये वूल है, तो मैंने इसे 2 चीजों से बनाया। ये देखिए, ये मेरे पास ये पिंक कलर की वूल है और ये मेरे पास ये कॉटन का थ्रेड है। ये देखिए, इसमें मैंने इस तरह से पिंक कलर के जो पर्ल है ये इसमें पिरोए हुए हैं। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये 4 प्लाई का कॉटन का थ्रेड है। देखिए, इसके अंदर ये 2 प्लाई के कॉटन के थ्रेड हैं और 1 प्लाई में ये स्पार्कल है और 1 प्लाई में रेशम का धागा है। तो इस तरह से ये कॉटन का थ्रेड है। तो ये मैंने 2 चीजों से इसका यूज किया है। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये 2 नंबर के क्रोशिया हुक का यूज किया है। ये 14 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने वूल के लिए यूज किया है। ये 7 नंबर का क्रोशिया हुक मैंने थ्रेड के लिए यूज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पिंक कलर के पर्ल लिए हैं। ये मैंने इसमें धागे में ये सुई से पिरो लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नॉट लगा ली है। अब हम चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 18 चैन बना ली है। तो ये आप अपने गोपाल जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं या आप गोपाल जी के नाप सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको जो मैंने ये 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है, मैं इससे आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ से नापना है, जो इस चोली का यहाँ पे सेंटर है यहाँ से इसको रखना है और जो ये चैन हमारी यहाँ पे देखिए बैक के साइड सेंटर पे लानी। तो देखिये, ये ऑलमोस्ट हमारी सेंटर में आ रही है। तो आपको इस तरह से इसको मेजर करना है। आप अपनी कोई भी गोपाल जी की कोई भी ड्रेस ले सकते हैं जो उनको फिट आती हो और फिर इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। जो चोली का ये एक पार्ट है यहाँ से और फिर ये देखिए बैक साइड से इसके हाफ में, तो ये आप देख सकते हैं कि बैक साइड से देखिए ये हाफ में आ रहा है। तो ये मेरा इनफ हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह से नाप ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये नाप लिया, ये मेरी 18 चैन है। और अब मैं 2 चैन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, 1, 2, और जो हमारी ये 3rd चैन है इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया करूंगी। ये देखिए इस तरह से, तो हमारी ये 18 चैन थी और एक ये जो हमारी 2 चैन थी एज अ हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो हमारे पास अब 19 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो अब आपको हर चैन में क्रोशिया हुक को डाल के और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ एंड तक अपना वर्क पूरा करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हमारी जो ये लास्ट चैन है यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरे पास 19 हाफ डबल क्रोशिया है। अब मैं यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे मैं 2 चैन लूंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। ये देखिए इस तरह से, और हम जहां पे हमने ये 2 चैन बनाई है ये हम एज अ हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। जस्ट इसके नीचे नहीं, जो हमारा ये सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशिया दिख रहा है इसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, तो हमारे ये 2 हो गए और ये नेक्स्ट में 3, तो ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो देखिए आपको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर ये इस तरह से नॉट लगाते हुए डालना है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमने इस तरह से 10 टाइम डाल दिया। ये हमने ना लूज रखना है और ना ये टाइट रखना है। और अब यहाँ पे देखिए हम 1, 2, 3, ये देखिए 3rd चैन में 1, 2, 3, 3rd चैन में इस तरह से डाल के और ये लूप हमने इस क्रोशिया हुक पे ले लिया। और अब इस तरह से एक लूप लेके हमने इन सारों में से इस तरह से निकाल देना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। और अब इस तरह से हम यहाँ पे ये हमने जो पर्ल लगाए थे इसमें से एक, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे लाके और एक चैन बनाएंगे
तो ये पर्ल हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। अब हमने जो बैक साइड जो ये दो चैन हमने स्किप की थी, अब इस चैन में से हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और जो सेकंड चैन थी ये देखिए बैक से आपको दिख जाएगी, यहां से हमने इस तरह से लूप लिया और ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमारी जो दो चैन हमने स्किप की थी ये हमने बैक साइड से हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो हमने यहाँ थर्ड चैन में यहाँ पे आके जो हमने चैन बनाई थी, अब इस चैन में हम डाल के और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अब ये वन, इसे हम वन हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में वन टाइम, टू, फिर नेक्स्ट चैन में थ्री। ये देखिए थ्री हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। ये देखिए इस तरह से लिया और क्रोशिया हुक पे डाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये देखिए इस तरह से टेन टाइम डालने के बाद अब हम यहाँ पे वन टू थ्री थर्ड चैन में इस तरह से डाल के क्रोशिया हुक को, और सिर्फ एक लूप लेके इस तरह से क्रोशिया हुक पे डाल लेंगे, और फिर एक लूप लेके हम इनके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम एक पर्ल यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पर्ल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और अब हम बैक साइड से जो हमने दो चैन स्किप की थी उसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के और दो डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हर चैन में से एक। तो हमने दो की थी तो एक ये बन गया, नेक्स्ट चैन में फिर से क्रोशिया हुक को डाला और ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारे दो हाफ डबल क्रोशिया बन गए। अब जिस चैन में हमने यहाँ अटैच किया था उस चैन में हम यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। अब इसी पैटर्न को हम नेक्स्ट फॉलो करेंगे। ये हमारा वन हाफ डबल क्रोशिया हो गया, फिर नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया टू, फिर नेक्स्ट में बनाया थ्री। ये देखिए इस तरह से, अब फिर से हम इसी तरह से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और जो मैंने ये टेन लूप्स लिए हैं, क्योंकि ये मेरा थ्रेड है ये पतला है इसलिए मैंने इसे टेन टाइम लिया है। अगर आप वूल से बना रहे हैं तो आप इसे सिक्स या सेवन टाइम भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप इसे कितने लूप लेंगे। तो इसमें मैंने टेन टाइम लिया क्योंकि ये थ्रेड है ये पतला है इसलिए। तो देखिये वन टू थ्री थर्ड चैन में हम यहाँ पे इस तरह से लूप लेंगे और एक लूप लेके हम इनके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, और फिर हम एक पर्ल लेंगे और यहाँ पे एक चैन से इस पर्ल को अटैच कर देंगे, और फिर ये बैक साइड जो हमने दो चैन स्किप की थी उनके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के उनके अंदर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से बन जाएगा। अब हमने जहां पे इसे अटैच किया था उसी के अंदर उसी चैन में डाल के हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये बच गई, ये देखिए वन हो गया, वन हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में टू, फिर नेक्स्ट में थ्री, और जो हमने ये टू चैन बनाई थी वो जो सेकंड चैन थी उसमें डाल के हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम वन टू चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए जो हमने ये टू चैन ली थी एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा काउंट होगा, और जो ये हमारा सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हमारा टू, फिर नेक्स्ट चैन में थ्री, फिर नेक्स्ट में फोर, फिर नेक्स्ट में फाइव। इस तरह करते हुए हमने हर चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमारे पास फिर यही 19 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे।
ये देखिए जो हमें ये हाफ डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, जस्ट इनके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो अगर हम इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि जो भी हमने देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया जो भी हमें दिख रहे हैं, ये देखिए जो भी हमें हाफ डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, इनके ऊपर हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारे पास यहाँ पे 19 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे जो हमने 2 चैन बनाई थी उसके सेकंड चैन में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये 19 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा एज अ ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो जो हमने ये डिजाइन पर्ल्स का यहाँ पे बनाया था, अब हम इनके सेंटर में बनाएंगे, जो ये दो हमारे हैं इनके बीच में। तो इस तरह से ये हमारा एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह से ये डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम 10 टाइम यहाँ पे क्रोशिया हुक पे इस तरह से ये नॉट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इस तरह से 10 टाइम हमने ये लूप्स डाल लिए। अब ये देखिए जो हमारा एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया था, जस्ट उसके नीचे से जो चैन है इसको स्किप करके नेक्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन काउंट करेंगे, 1 2 3, जो हमारी थर्ड चैन है। ये देखिए हमारी ये देखिए 1 2 3 जो हमारी थर्ड चैन है, इसमें हम इस तरह से लूप को निकालेंगे और फिर एक लूप क्रोशिया हुक पे लेके और इन सब के अंदर से हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। और यहाँ पे फिर हम एक पर्ल इस तरह से आगे करेंगे और यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, तो ये पर्ल हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जो हम जिस तरह से करते हैं कि पीछे से जो हमने 2 चैन स्किप की थी, उन 2 चैन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, अब नेक्स्ट चैन में 2, और जहां हमने ये देखिए थर्ड चैन में जहां हमने अटैच किया था उस थर्ड चैन में भी हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट चैन में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से बनाएंगे 3। तो ये देखिए हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, फ्लावर बनाएंगे हम, फिर इसी तरह से 10 लूप क्रोशिया हुक में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, और अब हम 1 2 3 थर्ड चैन में हम यहाँ पे एक लूप लेंगे और एक लूप और लेके और इनके अंदर से निकाल लेंगे, देखे सभी के अंदर से, और एक पर्ल यहाँ पे हम इस तरह चैन बनाते हुए अटैच करेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ बैक साइड से जो हमने 2 चैन स्किप की थी, ये देखिए फर्स्ट चैन में हमने क्रोशिया हुक को डाला और फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए नेक्स्ट चैन में हमने इस तरह से क्रोशिया हुक को डाला और लूप लिया और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारे 2 हो गए। और जहां हमने ये चैन से अटैच किया था थर्ड चैन में, उस थर्ड चैन में हमने यहाँ पे लूप लिया और हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे 3 3। ये देखिए अब आप यहाँ पे फिर से ये फ्लावर बना ले, फिर यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पे एक फ्लावर बना ले। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे हमने जहां इसे अटैच किया था उस चैन में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, और जो हमने 2 चैन बनाई थी इसकी सेकेंड चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को डाल के सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया था और यहाँ लास्ट में हमारे 2 हो गए, और बाकी सब पैटर्न वही है। ये बीच में हमारे 3 और जो हमें पीछे स्किप करने थे 2। तो ये देखिए पैटर्न, देखिए ये पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और अपने वर्क को टर्न करेंगे।
और ये देखिए जो भी हमने नीचे ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, जस्ट इसके ऊपर जो हाफ डबल क्रोशिया हमें दिख रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना। तो देखिए टू चैन बनाया एज अ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब ये सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जितने भी हमें नीचे हाफ डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, जस्ट उसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास 19 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूं और यहां हमने 1-2 चैन बनाई थी, सेकंड चैन में हम यहां पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 19 हाफ डबल क्रोशिया बन गए इस राउंड में। तो ये राउंड हमारे यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे, 1-2, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने जहां जिस तरह से हमने ये पेटल वाला फर्स्ट राउंड बनाया था, इसी तरह से बनाएंगे। अब इन दोनों के सेंटर में हम बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने पहले किया था 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एज अ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, हमारी ये 2 चैन हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। ये देखिए अब हम यहां पे अपना ये फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए हमने ये 10 लूप्स जो हमारे क्रोशिया हुक पे ये हमने ले लिए। अब हम 1, 2, 3 थर्ड चैन में हम यहां से एक लूप लेंगे और फिर एक लूप लेके हम सबके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर हम एक पर्ल अटैच करेंगे इस तरह से चैन बना के। ये देखिए इस तरह से अब फिर बैक साइड से हमने जो 2 चैन स्किप की थी उनके अंदर से हम एक एक करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक चैन में एक बार बनाना है, फिर ये सेकंड चैन में फिर से क्रोशिया हुक को डाला और 2। तो ये हमारे 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और जहां हमने चैन लेके थर्ड चैन में यहां अटैच किया था, उस चैन में भी हम इस तरह से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में हम फिर से बनाएंगे 1, 2, फिर नेक्स्ट में 3। और देखिए इस तरह से हमने ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम क्रोशिया हुक पे 10 टाइम लूप लेंगे और यहां देखिए 1, 2, 3 थर्ड चैन में यहां पे हम अटैच करेंगे और उसके बाद एक लूप लेके सभी के अंदर से निकाल के फिर से हम पर्ल अटैच करेंगे। और बैक साइड से जो हम 2 चैन स्किप करते हैं, हर एक चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और जहां थर्ड चैन में हम अटैच करेंगे, यहां पे भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमने इसी तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये फ्लावर बनाना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ये राउंड कम्प्लीट कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैं अपने वर्क एंड में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे हमने जो 2 चैन बनाई थी उसके सेकंड चैन में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम 2 चैन बनाएंगे 1, 2 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब इसी तरह से फिर से हम जो हमारे ये हाफ डबल क्रोशिया हमें दिख रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए ये हमारी 2 चैन है, एज अ फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी। और ये हमारा जो दूसरा हाफ डबल क्रोशिया दिख रहा है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट जो भी हमें हाफ डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से बनाते हुए हम मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। ये देखिए आपको हर एक चैन में 1-1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ हमने जो 2 चैन बनाई थी, 1, 2, सेकेंड चैन में हम यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट हाफ डबल क्रोशिया है ये हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये फिर से 19 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। और देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन गया। अब आप इसे इस तरह से कोई भी आप बनी हुई जो गोपाल जी की पोशाक है उससे इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ये देखिए हमने जब ये मेजर किया था, हमने यहां से यहां तक मेजर किया था। अब हमने ये जो इसकी लेंथ है ये मेजर करनी है। तो ये देखिए आप ये लेंथ मेरी देखिए इस तरह से इसके बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये छोटी आपको और बड़ी बनानी है तो आप इस तरह राउंड और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आ रही है। तो हमारे यहाँ पे ये फिनिश हो गया। तो इसका वर्क हमारा यहाँ पे फिनिश। ये देखिए जो ये पैटर्न मैंने बनाया है ये आपने 2 बनाने हैं। ये देखिए एक ये बना हुआ है और इसी तरह से एक और बनाना है। देखिए फ्रेंड्स ये एक और मैंने बना लिया है। ये देखिए इस तरह से आपने ये 2 पैटर्न बना लेने हैं। अब इन्हें हमने अटैच करना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपको किस तरह से अटैच करने हैं। ये देखिए ये जो हमारा ये
एक ये जो पैटर्न इस तरह से है, ये देखिए आपको एक पैटर्न आपको इस तरह से रख लेना है और एक आपको इस तरह से रख लेना है। ये देखिए आपको एल शेप बना लेनी है, जिस तरह से ये रेक्टेंगल होते हैं इस तरह से ये है, और ये देखिए सेम इस तरह से ये हमने इस तरह से रख लेना है, और फिर आपने यहाँ पे इसे अटैच करना है। ये देखिए फिर आपकी ये एल शेप बन जाएगी। आपको ये यहाँ से या तो आप क्रोशिया हुक से ही अटैच कर सकते हैं या फिर आप नीडल और थ्रेड से भी अटैच कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रोशिया हुक से ही अटैच करूंगी। ये देखिए जो दोनों राइट साइड है ये अंदर की साइड होंगी और जो ये रॉन्ग साइड है ये आपकी इस तरह से होंगी। ये आपको क्रोशिया हुक से ये देखिए बिल्कुल आपने इक्वल पकड़ने हैं, और यहाँ पे जो देखिए हम जो ये टू चैन लेते हैं इस तरह से उस चैन में क्रोशिया हुक को डालते हुए और इस लूप को यहाँ से अटैच कर लेना है। ये देखिए और आपको हर एक चैन में से लेते हुए इसे अटैच करना है। आपने एक इसकी चैन में से क्रोशिया हुक को डाला, फिर नेक्स्ट इसकी चैन में से क्रोशिया हुक को डाला और एक लूप लिया और हमने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हमने नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक को डाला और इसकी भी हमने नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक को डाला और इस तरह से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमारा अटैच हो जाएगा। या तो आप क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं और या फिर आप नीडल और थ्रेड से भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए मैं इस तरह से करते हुए इसे अटैच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारा इस तरह से अटैच हो गया। ये हमने एक साइड इसकी अटैच कर ली, अब हमने इसकी सेकंड साइड अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से ये वर्टिकल थी और ये हॉरिजॉन्टल थी, हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया। अब हमने ये वाली साइड से भी अटैच करना है, तो ये आपको इस तरह से करना है, ये आपको इस तरह से फोल्ड करना है रॉन्ग साइड से ही, और आपको ये इस तरह से करना है। तो आपको ये यहाँ से अटैच करना है और फिर जब आप इसको राइट साइड से करेंगे तो इस तरह से आपका ये पोंचो बन जाएगा। तो पहले आप इसे यहाँ से अटैच कर लिए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से किस तरह से अटैच करेंगे, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये एक जो हमने ये दो रेक्टेंगल बनाए थे, एक हमने वर्टिकली रखा और एक हमने हॉरिजॉन्टल रखा। अब हॉरिजॉन्टल है उससे हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया और फिर अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया और अब हम यहां से इसे पकड़ के ये देखिए यहां से हम इसे अटैच करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल इक्वल करना है। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया है और देखिए अब हमारा ये राइट साइड से इस तरह से लग रहा है। तो आप किसी भी साइड से इसे फ्रंट साइड बना सकते हैं, देखिए इस तरह से और इस तरफ से भी। तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग करेंगे और यहाँ नेक पे से बॉर्डरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं वूल का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पे वूल के लिए मैंने ये 14 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये पिंक कलर की नॉट लगा ली है और ये देखिए ये हमारा सेंटर है। हम सेंटर से नहीं, यहाँ साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए साइड से हम यहाँ पे ये देखिए सिंगल क्रोशिया से हमने ये नॉट लगा ली और हमने इसे यहाँ से अटैच कर लिया। और ये देखिए फिर नेक्स्ट जो चैन है उसमें हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये क्योंकि ये वूल है ये थोड़ी थिक है, इसलिए हम हर एक चैन में वन टाइम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। अगर आप थ्रेड ही लेंगे तो फिर एक ही चैन में आपको टू टाइम सिंगल क्रोशिया करना होगा। अब देखिए हम यहाँ सेंटर में पहुंच गए। ये सेंटर में पहुंचने के बाद हम जो हमारी ये साइड की चैन है यहां से हमने इस तरह से निकाला, फिर हम अब यहाँ दो का एक नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर भी हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम डालेंगे ये देखिए, तो अब हमारे ये क्रोशिया हुक पे 4 लूप्स हो गए। अब इनको हम एक साथ इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए सेंटर में आने के बाद हमने इस तरह से बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन में हमने वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन में हमने वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये जितनी भी हमें चैन दिख रही है उन सब में हमने क्रोशिया हुक को डाल के और वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ इसके सेंटर में आ गए हैं, तो अब हम इस चैन में हम ये देखिए लूप लिया, फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इसे क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हमने यहाँ पे फिर जो लूप लिया वो भी क्रोशिया हुक पे रखेंगे और नेक्स्ट चैन में से जो लूप लिया वो भी हम क्रोशिया हुक पे रखेंगे। और अब हमारे क्रोशिया हुक पे ये 4 लूप्स हो गए हैं, तो इन्हें हम अब एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा सेंटर में कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चैन में हम
फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये देखिए फिर नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम अपने वर्क के एंड में पहुंच गए हैं, तो जहां हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहां पे हम उसी चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारा इसका ये बॉर्डर बन जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी ये वूल कट कर दूंगी क्योंकि हमारा इसका वर्क फिनिश हो गया है। ये देखिए, यहां से इसे हम कट कर देंगे, और जो ये वूल है इसे आप अंदर की साइड सफाई के साथ इसे अटैच कर दे ताकि ये देखने में बुरा ना लगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये नेक बन गया। अब हम यहाँ बाहर की तरफ बाउंड्री करेंगे, तो वो भी मैं इसी वूल से करूंगी। ये देखिए, मैंने नॉट लगा ली है। ये देखिए, जो इसका कॉर्नर है हमारा पोंचो का, हमने यहां से स्टार्ट करना है। इसकी ये जो कॉर्नर वाली चैन है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे इसे अटैच कर लिया। देखिए, यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर हम 1 2 3 3 चैन लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक चैन को छोड़ के नेक्स्ट चैन में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमने 1 2 3 3 चैन लेनी है, और एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर से हमने 1 2 3 3 चैन लेनी है, और 1 चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ कॉर्नर तक अपना वर्क कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे मिडल में हमने यहाँ पे यहाँ तक मैंने यही पैटर्न फॉलो करते हुए बना लिया। अब हम यहाँ सेंटर में जो हमारी चैन है उसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, फिर से हम इसी के अंदर से डालेंगे 2। इसमें हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, और 1 चैन लेनी है, और फिर से इसमें हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह से कॉर्नर में बन जाएगा। फिर से हमने 1 2 3 चैन लेनी है, और यहाँ पे हमने 1 चैन स्किप करके नेक्स्ट चैन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 1 2 3 3 चैन ली, और 1 चैन स्किप करके नेक्स्ट चैन में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, और इसी में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली और एक चैन ले ली, और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया उसमें मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर दूंगी, और यहाँ पे वर्क हमारा इस वूल का फिनिश होगा। मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगी, और इस वूल को आप पीछे सफाई से एडजस्ट कर दें। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पोंचो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए डोरी बनाने के लिए मैंने ये क्रीम कलर का थ्रेड लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसकी नॉट लगा ली। अब मैं यहाँ पे इसकी चैन बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप चैन बना ले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चैन बना ली है, और यहाँ पे ये देखिए इस चैन को मैं यहाँ पे रख के, और इस तरह से ये नेक के अराउंड इस तरह से, ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेंटर में आ रहा है। तो इतनी बड़ी मुझे डोरी बनानी है। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप छोटी भी बना सकते हैं, और बड़ी बनानी है तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये डोरी बना ली है। अब अपनी वूल को मैं यहां से नॉट लगा के कट कर दूंगी। और यहाँ पे अब डोरी की दोनों साइड हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए, इसके लिए मैं फिर से ये वूल वाला क्रोशिया हुक ले रही हूँ, और ये पिंक कलर की वूल ले रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें क्रोशिया हुक को डाल के, और यहाँ पे हमने लूप लिया और एक चैन बनाई, तो ये वूल हमारी यहाँ पे इस तरह से अटैच हो गई। अब हमने यहाँ पे इसी चैन के अंदर 1 2 चैन ली, और इसी चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 14 15। ये देखिए इस तरह से हमने 15 टाइम
डबल क्रोशिया बना लिया और जो हमने यहाँ पे थ्री चैन बनाई थी 1 2 3 थर्ड चैन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा और यहाँ पे हम नॉट लगा के इस वूल को यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया और अब मैं इसको यहाँ से इसके अंदर आप ये देखिए यहाँ से हम हमने क्रीम कलर की वूल से हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें से हम एक को स्किप करके नेक्स्ट में से फिर एक को स्किप करके नेक्स्ट में से इस स्टोरी को मैं यहाँ से पिरो लाऊंगी और फिर यहाँ पे भी इस एज पे भी मैं इसी तरह से फ्लावर बना लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद किस तरह से लगेगा। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने डोरी बना ली और इसके दूसरी साइड भी मैंने ये फ्लावर बना लिया। ये देखिए बनने के बाद ये पोंचो हमारा इस तरह से लगेगा और ये 3 नंबर के गोपाल जी का है। आप चाहते हैं तो इस तरह से बड़े या छोटे किसी भी साइज में से बना सकते हैं। आप कोई भी कान्हा जी की ड्रेस ले लीजिए और उसके यहां से जो ये चोली का हमारा फर्स्ट पार्ट है यहां से लेके और बैक साइड के सेंटर से आप नाप लें और इस तरह से और ये इसकी विड्थ हो गई और लेंथ के लिए आप बनाते जाएं और इसकी जितनी ये लेंथ है चोली की आप इस हिसाब से नाप लें और फिर इस तरह से 2 रेक्टेंगल पार्ट बना लें और जिस तरह से मैंने इसे अटैच करना बताया इस तरह से अटैच करके और ये बाउंड्री बना लें। तो इस तरह से आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और जो गोपाल जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और पास में जो बेल आइकन उसे भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।